तो ईद के दूसरे दिन का ब्लॉग है, मॉर्निंग का समय है, बहुत लेट हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी में क्या करूँ, मैं चाय, सबसे पहले चाय 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 तो उसी खाएंगे, और सब्ज़ी कुछ भी नहीं था। अब सब्ज़ी तो बनेगा ही रोज़ एक टाइम दिन में, तो सब्ज़ी चचा से मंगा ली थी। उसके बाद किचन बहुत गंदा था, बर्तन वर्तन सब फैले थे चाय तो उस खाने के बाद। फिर हम लोग किचन की सफाई करी, मैं बर्तन क्लीन करी, किचन क्लीन करी, और उसके बाद चाय और चाय तो उसी हम लोग खा लिए। उसके बाद काम वाम करने के बाद फिर जोहर की नमाज़ अदा करी। जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद बस दूसरा दिन था, तो मालूम क्यों ना आज भी अच्छा ड्रेस पहन लेते हैं, तो मैं न्यू ड्रेस पहनी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज है ईद का दूसरा दिन और आज जुमा भी है, तो मैं तो इतना लेट में हम लोग उठे, इतनी थकान थी कि बता नहीं सकती। एकदम बहन लोग के जाने के बाद तो मैं तो बस सो गई, और जो सुबह उठी हूँ, फजर का नमाज भी आज पूरे महीने पर ही, और फजर का नमाज आज का जब चल गया, थकान इतनी ज़्यादा थी, और हम लोग लेट से भी उठे हैं। लेट से उठे तो बस चाय तो बच्चे लोग खिला के दे दिए हैं, और अभी खाना वाना बनाई मैं, खाने में दाल चावल सब्ज़ी मंगा ली थी चचा से, तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई, चटनी पीसी मैं आम की, जुमे की नमाज़ पढ़ी मैं जोहर की। उसके बाद अभी गई थी मैं सुनार दुकान, निकलवा ली गुनगुन कान का, मैं कान का निकलवाई, एकदम ना दर्द भी दे रहा लेकिन खींच के निकाल दिया। अब मैं कल कुछ नहीं पहनी, मेरे को इतना मतलब टेंशन हो रहा था कि मैं कल से ईद के दिन मैं कान का भी नहीं चेंज कर पाई, नोज़ पिन भी नहीं चेंज कर पाई। मैं जा रही हूँ आज करूँगी, आज बहन की एक्चुअल में दावत है, तो आज फिर अच्छे से तैयार होंगी। आज क्या आपने, हाँ मेरा ड्रेस अच्छा दिख रहा है ना गुनगुन भैया, ड्रेस अच्छा दिख रहा है, ये ऐसे ही ले ली थी, बहुत पहले ली थी मैं, और ज़्यादा कॉस्टली तो मैं लेती नहीं, बहुत सारे सिंपल है। हाँ सिंपल मुझे अच्छे लगते हैं, हल्के ड्रेस जो रेंज वाइज कम हो और अच्छे दिखे, लुक्स वाइज में अच्छे दिखे। मेरे जितने भी ड्रेस होते हैं ना, कोई भी हेवी नहीं रहता है, सब ऐसे ही ना 1800-1100 के अंदर का ही रहता है। तो मैं एक दो ड्रेस ऐसे ली थी मैं, कब लेके रख दी थी, बहुत पहले का ही है, जब स्टार्टिंग में शॉप खोली थी ना ये, तो उनसे मैं उधारी भी ले लेती चल जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ना उनसे एक दो ड्रेस और भी ली है, अफॉर्ड में भी ली हूँ, और उसका पैसा अभी तक नहीं दी। ईद की पैसे, ईद का पैसा मिला है ना मुझे, ईदी ईद का पैसा मुझे कितना मिला ईदी रे, 1500 रुपये मिला है ना, हाँ तो मैं उसको दे दूँगी अब, तो हो गया। दो सूट मैं ऐसे हल्के हल्के ले ली थी कि ईद के दूसरे तीसरे दिन पहनेंगे, मैं कहीं दावत होगा तो उसका पैसा भी अभी देना मैं लगा दूँगी अकाउंट में, नहीं तो कैसे जाके दे, तो शॉप बंद है, दूसरा दिन है तो दे दूँगी। मैं सोची थी ईद का जब पैसा, ऐसा सोची थी ईदी मुझे मिलेगा कोई देगा, लेकिन मिला अलहमदुलिल्लाह, तो अच्छा लगा, और वो चलो एक निशानी होती है कोई देता है ईदी तो उसका कुछ ले लो, तो मैं ड्रेस ही ले लिया ऐसे। एक्चुअली मैं सिर्फ ना मुझे ड्रेस का ही शौक है कि मैं अच्छे ड्रेस पहनूँ, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, बस कम में हल्के में सिंपल इतना ही है। और एक दो ड्रेस मैं ऐसी सिलवाई भी थी ऐसे हल्के लेकर के, उसको भी इतने दिन पहन ली थी कल सुबह, और एक और है, तो बस बैठे हैं अभी हम, कानून का चेंज करूँगी मैं, तैयार होंगी, नोजपिन भी चेंज करूँगी, पायल भी नहीं पहनी, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं। मुझे लग रहा था इतना उलझन लग रहा था ना, मतलब काम काम, खाना पीना देखना करना, ऐसे हम लोग इतने ज़्यादा बिजी, सुबह ही बना रहे थे, किस चीज़ का उलझन लग रहा था, सो गई थी रात भर, सो ही नहीं थी, किस चीज़ का उलझन लग रहा था, कितना रहता दिमाग में ना, कितने सारे बात आना जाना, सब बात ईदी के दिन आना, नहीं तो अरे ये थकान भी लगती ना, काम कर खाकर पूरा महीना मैं निकाली हूँ बिना हेल्पर के, दीदी नहीं थी, कोई भी नहीं था मतलब मेरे साथ काम करना, पूरा महीना मैं निकाली हूँ, रात भर सही से सो ही नहीं, रमजान में इतना रहता है, फिर तुम लोग तैयारी ईदी की, इतना ज़्यादा दौड़ धूप आना जाना, सब तो देख ही रहे मुझे, मैं कितना थक जाती हूँ और कितना काम करती हूँ, तो उस वजह से ना मैं एक्चुअली में मुझे याद भी नहीं था, मतलब ध्यान था ना, हाँ बेस्ट मॉम का अवार्ड, अच्छा रहने दे, मम्मी को अवार्ड देगी है, रहने दो भैया, मेरे को कोई अवार्ड वन नहीं चाहिए, बस अपना फर्ज निभा रही हूँ, फर्ज समझ कर, तुम लोग भी अपना फर्ज समझो, मेरी माँ है इतना समझ लो, उतना ही बहुत होगा कि मेरी माँ है, तो तुम लोग आजकल के हराम खोर औलाद लोग भी नहीं समझते हो, उनका ड्रेस भी अच्छा लगा, उनका ड्रेस देखिए, उनका गुड़िया में भी जो उसकी दी है ना वो है, और आलिया पैटर्न में, तो आलिया पैटर्न पहनी भी तो अच्छा लग रहा है, और हम लोग सबका ब्लैक ब्लैक होगी, और जो मैं सब मैं पहनी हूँ ना, हाँ जोया बस लगे उसका नहीं, हाँ वो ईद वाले कल का फॉर्डल पहनी है, और मैं ना कर रही हूँ ना बेटा, और मैं पहनी हूँ ऐसा, बहन भी लिया है सेम नहीं है, मतलब इसी मटेरियल में है और गेंजर में ही है, लेकिन उसका कलर दूसरा, उसका भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो हाँ वो भी पहनेंगी आज, तो हम लोग बात कर लिए हैं कि मैं इसको पहन के आऊँगी, तुम भी उसी को पहनना, सेम सेम अच्छा लगेगा, तो फोटो वोटो शूट करेंगे, जाएंगे बस, खाना ना खाते, अभी खाना नहीं खाए हम लोग, शाम में निकलेंगे, थोड़ा सा तैयारी कर दूँ मैं, उनका बाल स्ट्रेट करना है, अपना कुछ ज्वेलरी ज्वेलरी निकाल कुछ पहनना देखना है, कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, तो बस करती हूँ नमाज़ पढ़ के, बस सुनार दुकान की सबसे पहले ये काम करी, इतना कान दुख रहा है ना, सबसे पहले उसको काट के निकाले, अच्छा अल्लाह का शुक्र है ना कि मेरा कान का ना, कान जो था ना रिंग उसमें धागा वाला, वो कटा नहीं, तो बस उसको काट दूँ क्या, नहीं भैया नया है, और इसको मत कर ज़्यादा, पुराना भी नहीं, पहने भी नहीं ज़्यादा, कोशिश करो निकालने का, तो रबड़ था टाइट से एकदम, तो निकाला खींच के, बैठ गया था वो चिपक के छोटा सा, तो उसको आई जल्दी से वो काम जो भी था करना, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँगी, तो मैं बाल स्ट्रेट करती हूँ, मैं ना वो झरी भैया के पास ना सेवई छोड़ के आती हूँ, बेचारे के पास ईद का बोल रहा था, सेवई खाना है ना फ्रिज में गर्म कर देना, और ना भैया को छोड़ के आती हूँ, मैं तुम्हारा बाल स्ट्रेट करती हूँ, उसके बाद रेडी होंगी मैं भी तैयार, चलो चलो आओ दो, चलो ना स्ट्रेट कर दी, और मैं कर दी गुनगुन का भी, और अपना भी हल्का हल्का कर दी नीचे से।
मैं अपना निकाली हूँ कान का झुमका, छोटा सा झुमका देखती हूँ, वह झुमका नहीं पहनती उसको पहन लूँगी क्योंकि ना कान में दर्द भी है नहीं पहन पाई ना हैवी, तो उसको छोटा सा झुमका निकाली हूँ। और पायल है एक नोज़ पे निकाली नाक का, नोज़ पे इसको पहनूँगी मैं, रिंग भी पहन ली, कुछ पहनी नहीं थी कल, तुम ध्यान ही नहीं आया ये सब चीज़ पे। तैयार होंगे अच्छे से, चॉकलेट ले ले चॉकलेट। हाँ चूड़ी चूड़ी दी थी ना चूड़ी। थैंक यू बोल दो। थैंक यू
हो।